अपनी हलाल कमाई की नमक रोटी खिलाकर एकदम दुरुस्त कर दो इसको, तब मुलाकात करो ताकि जो बेटा पैदा हो नेक पैदा हो, सालेह पैदा हो, बेहतर पैदा हो, तारीख बताती है दोनों में ताल्लुकात कायम हो, अल्लाह ने रिश्ते में बरकत अता फरमाई और वह हामिला हुई। आगे चल करके बुजुर्ग मुआयना पर एक साहबजादे ने जन्म लिया और वो लड़का आगे बढ़ते 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 इतना नेक, इतना सालेह, इतना मुत्तकी, इतना पढ़ा लिखा कि जनाब वो लड़का इल्म हिम्मत का ताबी बना और शरीयत और तरीकत का ताबी बना और उसी मुबारक बेटे को आज दुनिया हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक कहा करती है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक कहा करती है। इधर उधर की बात कर ये बता कि काफिला क्यों रुका, मुझे रहतरों से गलत नकदी अलग से, और अगर बीए है यानी वहां इच्छा चलता है, लगता है कि लड़कवा तो सिर्फ बीए है लेकिन बपुआ एक आध बोतल पीए है, पूरे नशा में हालत खराब है, ऐठ के चल रहा है, मेरा लड़का पढ़ा लिखा, मेरा लड़का क्वालिफाई है, मेरा लड़का शिक्षित है। लानत ऐसे शिक्षा पर और ऐसी तालीम पर, वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर मुझे। अल्लाह ताला जहेज की लानत से बचने की तौफीक अता फरमाए। आदमी लड़की से प्यार करता अपनी बेटी से, सिर्फ बेटे से प्यार नहीं करता, लड़का भी आंख का नूर होता है, लड़की भी दिल का सुरूर होती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जहेज के लालची लोगों ने आज बेटियों से बाप को नफरत करने को मजबूर कर दिया है। पैदाइश होती है बेटी की, खुशी होती है, तसल्ली देते घबराइए नहीं, बेटी अल्लाह की रहमत है और बिल्कुल रहमत है। दो बेटियां पैदा हुई, अब क्या होगा, तीसरी हुई तो अब क्या होगा, नजर से देखने लगे, चुनांचे अगर कहीं तीन लड़कियों के बाद एक लड़का हुआ तो लगे हजरत तीन लड़कियों के बाद तब जाके लड़का हुआ, तब खुशी मनाई गई। यहां तक कि कुछ लोग लड़कियों को औलाद ही नहीं तसव्वुर करते, पूछा उनके पास बेटियां, न्यू बेटियां क्या मतलब काट कोरो, वो औलाद नहीं है,